गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हनी व्लॉग। तो अभी मैं क्या कर रही थी, मैंने दो वीडियो एडिट करके रख लिए हैं संडेज़ के। उन दोनों का मम्मी ने सब सेटअप कर लिया, शेड्यूल कर लिया, मुझे बस उनका थंबनेल बनाना है। तो फिलहाल आई एम मेकिंग थंबनेल एंड मज़ेदार वाले वीडियोज़ हैं दोनों। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे हो, तो वीडियो आने के बाद ही पता चलेगा आप लोगों को कैसा लगने वाला है। बट और इसके बाद एक और पेज एंड गर्मी बहुत हो रही है। एक और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, वो है मेरे पापा का हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलो पापा को विश करते हैं। मैंने उनको ऑलरेडी कर लिया, लेकिन फिर से कर लेते हैं। ऑफिस से छुट्टी लिए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ हाँ, बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो। पापा ने आज ऑफिस से छुट्टी लिया, मम्मी अभी फिलहाल नहाने गई है। बाहर ज्यादा जोरों की धूप नहीं हो रही है, थोड़ी बारिश हो जाती तो अच्छा होता। 3 दिन तक लगातार बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाढ़ नहीं आनी चाहिए, बाकी सब जो होना चाहिए हो जाए। और या फिलहाल चलो मैं मेरा थंबनेल बनाती हूँ। और मेरा ना साइंस का एक रिवीजन टेस्ट है, और कल मैंने कुछ ज़्यादा ही जंक फूड खा लिया था, इसलिए मेरा पेट थोड़ा ख़राब चल रहा है। एंड मैंने आज सुबह सुबह खाया पराठा और गोभी। गोभी को क्या बोलते हैं हिंदी में? पत्ता गोभी नहीं, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर एंड आलू का भजा फ्राई। तो ज़्यादा हेल्दी नहीं था ये, बट फिर भी जो मैंने कल खाया उससे तो हेल्दी था ना गाइस। और मैंने ना पापा के बर्थडे के लिए उनके लिए गिफ्ट बनाया है, ख़रीदा नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। बनाया मैं इसका तो शूट नहीं किया, लेकिन ऐसा एक और मैं बनाऊँगी, और वो आप लोगों को उसका ट्यूटोरियल भी एक रील्स बना दूँगी, एक शॉर्ट्स बना दूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। ऑडियो इसमें ना कॉफ़ी की स्मेल आ रही है, क्यों? क्योंकि ये जो पुराना पेपर वाला कलर है ना, ये कॉफ़ी से ही आया है। मैंने ना इसमें लेटर लिखा है और साइड्स को थोड़ा सा जला दिया, वाला साइड कुछ ज़्यादा ही जल गया था। कोई बात नहीं, जो है अच्छा है। होपफुली पापा को ये अच्छा लगे, और अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो नहीं, उन्हें अच्छा लगा नहीं लगा तो मैं क्या करूँ, अच्छा लगना चाहिए वाला गिफ्ट। एनीवे चलो मैं थंबनेल बनाती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ थंबनेल बनाने के बाद। 12:30 तक मेरा मतलब पापा का केक कटिंग ख़त्म हो गया था। हम लोगों ने व्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि वो सेपरेट वीडियो आएगा मेरे चैनल में, तो सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट। और मुझे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो चलो किचन में जाके पूछते हैं कि क्या करें मम्मी। अभी फ़िलहाल 2 बजे और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बना रही हो मम्मी गोभी फ्राई? नहीं नहीं, फ्राइड राइस तुम्हारे लिए। फ्राइड राइस हाँ, तुमने बोला था ना। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए फ्राइड राइस के लिए चावल मैं उबाल रही हूँ। ये परवल का फ्राई तुम्हारे लिए, आलू फ्राई, फ्राई 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 बड़ी, और इधर हमारे लिए प्लेन राइस, और ये है तेरी मम्मी का फेवरेट अम्बिला। अम्बिला नहीं, कड़ी, बेसन कड़ी, सॉरी अम्बिला बोल ली मैं। अभी पापा का दाल गरम करेंगे। ओके, ये आज का मेन्यू। हाँ, और आज खाना में कितने गर्मी में बना रही हूँ पता है? और भी बहुत ज्यादा पसीना था, लेकिन तब मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं। पूरे मम्मी का मुंह सर ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी ने मुंह धोकर आई हो। क्योंकि हर दिन मैं सुबह जल्दी बना लेती हूँ खाना, आज बनाई हूँ पूरा। और हमारे प्यारे बर्थडे बॉय क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम एसी रूम में चल रहे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। विंडो से देखो और बाहर का मौसम, धूप जैसा मौसम बिल्कुल नहीं लग रहा था। ओ, बारिश होने वाली है क्या? ओ यहाँ बारिश होने वाली है। बारिश है, मैंने कपड़े भी ले लिए हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने कपड़े नहीं लिए। चलो मुझे क्या, मेरा कपड़े तो है, लोग छत के ऊपर चलते हैं क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है। जब तक तो बारिश नहीं होगी छत से वापस नहीं आएंगे। और वहाँ मेरे पापा हैं, बेडरूम में सो रहे हैं। अभी एक्चुअली थोड़ा सा है,
चीयर्स गाइस। छत के ऊपर घूमी एंड फिर नीचे आ ही गई। मम्मी पापा सो रहे होंगे, आई डोंट नो, पर लोग नहीं है। और छत के ऊपर तो बादल जो है वो इतने भी पूरे नहीं है, ठीक ठाक है। और आई थिंक नहीं होने वाला है बारिश, मोस्ट प्रोबेबली ना। हे ऑल, आई एम बैक फ्रॉम ट्यूशन एंड अभी फिलहाल 10:30 बज रहे हैं। मुझे एक वीडियो एडिटिंग करनी है एंड आई हैव अ गुड न्यूज़ कि मेरे ट्यूशन की कुछ दिनों के लिए कुछ छुट्टी है। मतलब 19th को मेरा ट्यूशन भी एक साथ रीओपन होने वाला और मेरा स्कूल भी रीओपन होने वाला है। एंड मुझे मेरे ट्यूशन और स्कूल का हॉलीडे होमवर्क फिनिश करना है। हाँ, मैंने अभी तक स्कूल का फिनिश नहीं किया और ट्यूशन का भी अभी भी थोड़ा पेंडिंग है। क्या करूँ मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे पता अभी के लिए मुझे पानी पी लेना चाहिए। अभी के लिए तो मुझे मुझे बहुत प्यास लग रही थी। पानी पी लिया। डिनर में आज था मेरे लिए वही बिरयानी जो मैंने दोपहर को खाया था, थोड़ा बच गया था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो खा ही लेते हैं। मेरा ट्यूशन का हॉलीडे होमवर्क है यहाँ, लेट मी शो यू गाइस। मैथमेटिक्स का इतना है विच इज अराउंड 10-20 क्वेश्चंस। साइंस का है 20 क्वेश्चंस। एसएसटी का है 20 से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस और इंग्लिश का है 15 क्वेश्चंस। तो आई थिंक मैं कल स्टार्ट करूँगी मैथ्स से। वेल, मुझे एक्चुअली आज से स्टार्ट कर लेने का मन हो रहा है तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं। हॉलीडे होमवर्क, वेल मैथ का है हमारे पास 20 तो आज मैं नहीं, मैथ का नहीं करते आज। आज हम लोग करते हैं साइंस का। चलो आज साइंस का करते हैं। मैं इतनी गर्मी में फ्राई हो के मेरा हॉलीडे होमवर्क फिनिश नहीं करना चाहते तो चलो हम लोग बेडरूम को चलते हैं। एंड वहाँ मम्मी पापा ने एसी लगाया तो वहाँ हॉलीडे होमवर्क फिनिश करेंगे। अभी बेडरूम में और मम्मी पापा दोनों मोबाइल में बातें कर रहे हैं, सो इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस। अगर आप लोगों को कुछ सुनाई देने वाला है। एंड मैंने मेरा साइंस का होमवर्क लिया है। मैं ज़्यादा टाइम अभी बातें नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं टेबल को ऐसे टेढ़ा करके व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि टेबल में एक स्टैंड है जो कि कुछ ज़्यादा ही डीप है। एनीवे, यू कैन एन्जॉय द टाइम लैप्स। आई फिनिश्ड 10 क्वेश्चंस और मैं अभी फ़िलहाल के लिए बहुत थक गई हूँ। 11:30 हो रहा है, मैं अभी फ़िलहाल सोने वाली हूँ। कल मेरा 8 बजे फिर से डांस क्लास है तो मुझे कल सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा। मम्मी, मुझे अभी बहुत जोर की नींद आ रही है, अभी मैं सोने वाली हूँ। मैंने 10 क्वेश्चंस कर लिए और कल डांस क्लास से आने के बाद मैं बाकी जितना भी हुआ मेरा होमवर्क वो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। कल जैसे मैं बैठ के साइंस तो कंप्लीट कर ही सकती हूँ ना, तो आई होपफुली कल मेरा साइंस का ट्यूशन का हॉलीडे होमवर्क ख़त्म हो जाए और स्कूल का तो हॉलीडे होमवर्क साइंस का ख़त्म हो ही चुका है। अच्छी बात है, ट्यूशन और स्कूल मेरा एक ही दिन खुल रहा है, मतलब मैं चेकलिस्ट बना सकती हूँ कि मेरे ट्यूशन का हॉलीडे होमवर्क कौन से सब्जेक्ट का ख़त्म हुआ और स्कूल का किस सब्जेक्ट का ख़त्म हुआ। नॉइस। Anyway, I will thank you guys so much for watching the vlog till the end। और editing करने वाली थी आज, मैं पता नहीं करूँगी कि नहीं क्योंकि बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। And yeah, thank you so much for watching the vlog till the end। And अगर पसंद आया है then don't forget to like, share and subscribe and click the bell icon। Bye guys, I'll see you in the next vlog। तब तक के लिए take care and bye bye।